हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव होम्स बाय आरती। सो ये है मेरा छोटा सा रेंटल किचन। बहुत सारे लोग पहले भी इस किचन को देख चुके होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी किचन मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करा था, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। किचन मेकओवर रिलेटेड मैं जितने भी वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये है मेरा बिफोर मेकओवर किचन का लुक। बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि वॉल उतना अच्छा नहीं लग रहा है किचन का, तो मैं अभी उसका कुछ करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने सोचा कि पूरा किचन का लुक जो है उसको चेंज करते हैं। थोड़े थोड़े टाइम पे अगर आप किचन का मेकओवर करते रहते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो क्या होता है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने किचन में स्पेंड करते हैं, तो किचन अच्छा रहता है, तो ऑर्गेनाइज रहता है, तो हमें खुद को काफ़ी अच्छा लगता है और खाना बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं हम। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस पूरे किचन का लुक चेंज करती हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा फुल इंजॉय कीजिए। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आप लोग का भी कुछ हेल्प हो जाए इस मेकओवर से। ये सेल्फ लाइनर है जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं इसको एक साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसका लिंक चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, जैसे कि मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर वगैरह हम पहले के टाइम पे डालते थे, तो न्यूज़पेपर क्या होता ना कि बार बार चेंज करना पड़ता है। इसको आपको चेंज नहीं करना पड़ता है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। बस सिंपली आपको डिशवॉश से इसको क्लीन करना है। वॉल के लिए मैंने यहाँ पे वॉलपेपर मंगवाया है, जो कि मैं अभी इस बार फर्स्ट टाइम मैं वॉलपेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने किचन में। मुझे नहीं पता कैसा रिजल्ट आएगा और कैसा ये मतलब दिखने में लगेगा और कैसे इसको मुझे मेंटेन करना, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सिंपली आपको इस तरीके से पील करना होता है एंड देन इसको वॉल पे पेस्ट करना होता है। आपका किचन बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो ये वाला आइडिया तो बेस्ट है और इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आया। मेक श्योर जब भी आप इसको अपने वॉल पे लगाएं ना, तो पहले आपका वॉल अच्छे से क्लीन हो। अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करना और उसके बाद ही आप इसको पेस्ट करना। और एक और मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली इस वॉलपेपर के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो ना, एक बार में ही मत यूज़ करना। आप इसको होता है ना सेक्शन वाइज छोटे छोटे मतलब पीसेज में इसको काट करके और छोटे छोटे एरिया को कवर करना, इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बहुत सारे जो जार हैं वो मैंने नए लिए हैं, अगर आप लोगों को कोई सा भी जार अच्छा लगता है तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। और ये दाल जो जिसमें मैंने रखा ये सारे एक ही तरह का है, इसको मैंने अमेज़न से लिया है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लिंक के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इतना हो सकेगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। और बहुत सारे लोग फिर भी कमेंट करते हैं कि आप लिंक दे दो लिंक दे दो, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ये ड्राई फ्रूट्स वाले जो जार है ये ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, आप लोग देख चुके होंगे। ये मसाला रखने वाले जो छोटे छोटे जार हैं ये मैंने कुछ तो मीशो से लिए हैं और कुछ अमेज़न से लिए हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ इन सभी का लिंक, अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे पास कुछ ब्रास के आइटम्स थे जिनको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करके रखने वाली हूँ। ये एक सेरामिक का वाइट कलर का टी शर्ट है और ये छोटा सा संदूक टाइप का है जो कि मैं रखने वाली हूँ। किचन में थोड़े बहुत कहते हैं ना पैसा रखना चाहिए, इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। यहाँ पे ये वाला जो काउंटर टॉप सेल्फ मैंने रखा है ना, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने मेरे से इसका लिंक मांगा, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो में डाला हुआ था, बट फिर भी आप लोग कमेंट करते हो। अगर अभी भी आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, एकदम कम स्पेस आपके किचन में लेता है। अगर आपका किचन छोटा है ना, तो ये वाला जो काउंटर टॉप रैक है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लोग ले सकते हो। काउंटर टॉप में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ उन्हीं सामान को रखूँ जो इंस्टेंट कुकिंग में यूज़ होता है, ज़्यादा इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये वाला जो व्हाइट कलर का जो मेटल का रैक है, ये मैं पहले टी कॉर्नर के लिए इस्तेमाल की थी और अभी मैं इसमें टी कॉर्नर ही बनाने वाली हूँ। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे चीनी चाय और साथ ही साथ कुछ स्नैक्स आइटम मैंने रखे हैं और एक ग्रीनरी थोड़ा सा ऐड करने के लिए मैंने मनी प्लांट भी रखा है। और इस कॉर्नर में मैंने ये एक वुडन ट्रे रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो खाना बनाने के टाइम पानी जो होता है उसको भर करके एक जग में रखती हूँ, तो ये मुझे चाहिए रहता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रखा है। ये मेरे पास एक कॉपर का बॉटल है, इसको भी मैंने यहाँ पे डाला है। और साथ ही साथ जो मोटर एंड पेस्टल होता है इसको मैंने यहाँ पे रखा, ये दो मेरे पास था। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इस किचन का पूरा फाइनल लुक। तो ये है मेरा किचन, यहाँ पर मैंने सारे दाल और जो चना वगैरह होता है उन सभी को रखा है।
साथ ही साथ इस वाले जो सेल्फ में मैंने डेकोर आइटम्स ही आप समझ लीजिए वो सारे रखे हैं ब्रास के, और दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और ब्रास का आइटम जो है ना वो किचन में थोड़ा सा जो होता है ना ट्रेडिशनल थोड़ा सा टच देता है, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है ये सारा मैंने ग्लास, मेरे पास जो भी ग्लास के आइटम थे उनको मैंने डिस्प्ले करके रखा है। मुझे डिस्प्ले करके रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है इसको मेंटेन करने में, बट डिस्प्ले अगर आपके पास है तो आप डिस्प्ले करके रखो तो खुद को भी देखने में अच्छा लगता है और जो भी आपके किचन में आते हो तो उनको भी देख करके हाँ कि हाँ अच्छे से अरेंज करके रखा। ये है इस किचन का पूरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा किसी भी प्रोडक्ट का अगर लिंक चाहिए होगा, और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। बहुत सारे लोग वीडियोज़ तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पर अभी मेरे YouTube पे 10K की फैमिली होने वाली है, जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी से 10K पूरा कर दीजिए। तो आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो उससे मिलती है हमें मोटिवेशन आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने का। इसी के साथ चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।